इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के नागांव में भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले एक एक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस एक्टर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी एक्टर किसी सामाजिक मुद्दे पर भगवान शिव के वेश में बीच सड़क पर नुक्कड़ नाटक कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इस दौरान भगवान को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले आरोपी को पुलिस जल्द ही कोर्ट में पेश करेगी। इस बात की जानकारी सदर थाना प्रभारी मनोज राजवंशी ने दी है। उन्होंने बताया है कि भगवान शंकर का रोल प्ले करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का आरोप है, जिसके बाद अब इस शख्स की कोर्ट में पेशी होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में अन्य दो आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके मामले को लेकर इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि भगवान शिव बना युवक, पार्वती बनी एक महिला कलाकार के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक के जरिए बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध कर रहा था। वहीं इस मामले में अब इन मुद्दों को नजरअंदाज कर इसको भगवान से जोड़कर और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान दोनों ने इस समस्या को लेकर नाटकीय रूप में लड़ाई भी की। इसी दौरान पुलिस ने इनके मुद्दों को दरकिनार करते हुए धार्मिक भावनाओं से जोड़कर इस मामले में एक्शन लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।